हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेग मॉडल के बारे में। नॉलेज मैनेजमेंट का ये सेकंड मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक नौनाका मॉडल डिस्कस कर लिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इसमें डिस्कस करें वेग मॉडल के बारे में। देखो गाइज, वेग मॉडल जो है वो किसने दिया था? ये कार्ल वेग ने दिया था 1993 में। ठीक है, 1993 में किसने दिया था? कार्ल वेग ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉलेज को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉलेज, अगर उस नॉलेज में ये सारे कंटेंट होंगे ना, इट मीन्स वो नॉलेज बहुत सही है। दैट मीन्स अगर वो नॉलेज क्या होनी चाहिए? वो नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ बता रहा है तो वो कंप्लीट बताए, आधी अधूरी उसको बात मत बताए, उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज थी। ठीक है, इट शुड बी कंप्लीट। और वो कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, मीन्स कनेक्टेडनेस में ऐसी हो कि ताकि वो दूसरा पर्सन इजीली उसको अंडरस्टैंड करे, कुछ कनेक्ट करके उसके साथ कोई एग्जांपल है कुछ ऐसा कुछ उसको इलेबोरेट करके बताए। दैट मीन्स कनेक्टेडनेस वो होनी चाहिए नॉलेज। कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है कि लाइक अगर ये बंदा इसको बोल रहा है कि 1 + 1 = 2 होता है, तो मतलब वो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज वो 2 कह रहा है, कल वो 3 कह रहा है, परसों 4 कह रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी होनी चाहिए और पर्पस होना चाहिए। और वो नॉलेज, जो नॉलेज दूसरे को दे रहा है ऐसे बिना मतलब के तो कोई नॉलेज देता नहीं है। दैट मीन्स उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। अगर एक नॉलेज एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये किसने बोला? वेग मॉडल बोलता है कि दे शुड नॉलेज जो हो वो हो, क्या हो? कंप्लीट हो, कनेक्टेडनेस हो उसमें, कॉन्ग्रेंसी हो और उसका कुछ पर्पस हो। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। देखो इस मॉडल में 3 या 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट तो ये था कि नॉलेज में ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए। और सेकंड, इस मॉडल ने क्या बोला है? इस मॉडल ने ना डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। देखो डिग्री ऑफ अगर आपको इंटरनलाइजेशन का नहीं मीनिंग क्लियर, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एक बार इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, इंटरनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को फिट करना। ठीक है, बाहर से किसी चीज़ के बारे में हमारे माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन डालना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या, इस मॉडल ने क्या बोला कि एक पर्सन कुछ अपने दिमाग के, एक पर्सन के दिमाग के अंदर कोई चीज़ कैसे फिट होती है, या फिर एक पर्सन कैसे सीखता है अपने माइंड के अंदर, कैसे इंफॉर्मेशन उसके माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इसने एक डिग्री बताई कि कैसे कैसे एक पर्सन सीखता है। देखो इसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ये सारे पॉइंट्स उसको उसके साथ आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो एक, जब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक स्मॉल किड है, आप उसको क्या कर रहे हो कि आप उसको ना बोलना सिखा रहे हो, या बोलना या लिखना सिखा रहे हो। देखो स्टार्टिंग में तो उसे कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो वो कुछ मतलब उसे आता नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि ABC क्या है या कुछ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हम सीखते हैं। देखो स्टार्टिंग में नॉवेस होते हैं, दैट मीन्स कि हमें कुछ नहीं पता होता, हम क्या होते हैं? लो कॉन्शियस होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही वो उस की बच्चे की हालत होती है कि उसे कुछ नहीं पता ABC क्या है, वो छोटा बच्चा है उसे कुछ नहीं पता। दैट मीन्स स्टार्टिंग की स्टेज में क्या होता है? नॉवेस, लो कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेकेंड स्टेज हमारी क्या होती है? बिगनर्स। बिगनर्स मीन्स जब नॉलेज एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता है, बट हम क्या कि नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है ये तो पता है हमें, बट हमें क्या नहीं पता, बट नॉट अवेयर वेयर इट इज़ यूज्ड। देखो हमें उस बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये A फॉर एप्पल होता है, ये B फॉर बॉल होती है, ये C फॉर कैट होता है। ठीक है, बट इस बच्चे को ये तो पता चल गया भी ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी भाई आगे मुझे अपनी लाइफ में ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको ये तो नहीं पता इस पर बच्चे को कि हाँ भी ये कहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, उसे पता है कि नॉलेज ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, बट उसे ये नहीं पता कि इसके कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो पर्सन क्या हो गया? बिगनर हो गया। पहले नॉविस होते हैं, फिर वो बिगनर बन जाता है। जब उसे बिल्कुल नहीं पता तो वो नॉविस, बिगनर मीन्स जब उसे पता चल गया। थर्ड सिचुएशन क्या है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि जब उस बच्चे को पता भी चल गया कि ABC क्या है उसे, पर बट उसे ये नहीं पता चल रहा कि भी कहाँ पे इसको यूज़ करना है। यूजिंग बस उसे इतना ही पता है कि हाँ चलो ABCD Z तक होती है। ठीक है, बट उसको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आ रहा उस नॉलेज को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंट। मतलब वो बच्चा कॉम्पिटेंट तो हो गया, वो सीख तो गया, A to Z होता है, 1 to 10 सीख गया, 1 to 100 सीख गया, बट उसे एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा कि अभी उसको कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, दैट मीन्स यूजिंग द नॉलेज इज लिमिटेड, बट वो पर्सन क्या हो जाता है? वो सीख जरूर जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कॉम्पिटेंट बन जाता है वो। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है, वो क्या होती है? एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट मीन्स
जब हाँ एक बच्चा है या कोई पर्सन है वो अंडरस्टैंड तो करने लग जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड भी करने लग जाता है और उसको अप्लाई करना भी आ जाता है। लाइक अगर उसी बच्चे के हम एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो उसमें क्या है, उसने ए टू जेड सीख तो लिया और यहाँ पे उसे समझ भी आ गया एक्सपर्ट बनने के बाद, बट उसे अप्लाई भी करना आ गया। लाइक उसे पता चल गया कि सी ए टी कैट, लाइक इन ए बी सी को हम क्यों कहाँ हम यूज़ करेंगे, वर्ड एक वर्ड को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, लाइक कैट बैट, लाइक उसको ऐसे समझ आने लग गया। वो क्या हो गया, उसको अंडरस्टैंड अप्लाई करना भी आ गया। नेक्स्ट क्या है, मास्टर। मास्टर क्या, जब वो कंप्लीट उसको नॉलेज हो जाएगी कि भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, जब उसको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, वो बिल्कुल लिखने लग जाएगा, बिल्कुल सेंटेंस बनाने लग जाएगा, तो क्या होगा, वो मास्टर बन गया सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एग्जाम्पल लेने का पर्पज़ ये है कि कोई भी नॉलेज हो, वो बच्चे की एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है, कोई भी नॉलेज हो हम ऐसे ही गेन करते हैं, पहले नॉविस दैट मीन्स लो कॉन्शियस, फिर बिगनर होते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, फिर एक्सपर्ट, फिर मास्टर बन जाते हैं। मतलब इसी तरह डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम कैसे नॉलेज को सीखते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल में मैंने अभी तक आपको दो चीज़ें जो डिस्कस की हैं, फर्स्ट उन मॉडल ने क्या बोला है कि किन्होंने दिया था और इन्होंने बोला कि क्या नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, और डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन की हमने 5 पॉइंट किए, आपको एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल याद रह जाएगा ये, मेरे को इतना तो मेरे को श्योरिटी है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ, इन्होंने एक थर्ड एक और चीज़ दी है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने बोला कि जो नॉलेज है ना वो 4 टाइप्स की होती है। उन्होंने बोला फैक्चुअल नॉलेज, एंड नेक्स्ट वन इज कंसेप्चुअल नॉलेज, एक्सपेक्टेशनल नॉलेज एंड मैथोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। ये भी मैंने आपको नॉलेज वाली वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। फैक्चुअल नॉलेज मीन जो फैक्ट ऑफ फिगर के बेसिस पे होती है, लाइक मैं कह रही हूँ, मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दी थी कि अगर जीडीपी बढ़ रही है हमारी, तो मैं फैक्ट्स ऑफ फिगर के बेसिस पे बता रही हूँ आपको कि भी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे बोलूंगी, दैट मीन्स फैक्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल जब कंसेप्ट्स की नॉलेज होती है, लाइक अगर लॉ ऑफ डिमांड की मैंने आपको एग्जांपल दी, या फिर मैं आपको कुछ किसी भी चीज़ की आप कंसेप्ट्स के बारे में अगर आपको क्लैरिटी, अगर आपको नॉलेज मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर है, दैट मीन्स आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशनल नॉलेज, जब एक पर्सन के पास मतलब उसके पास ऐसी नॉलेज होती है कि वो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आपको पता होगा कि हाइपोथेसिस बना सकता है, मतलब कुछ गेस कर सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशनल नॉलेज। उस बंदे की क्या नॉलेज है, एक्सपेक्ट करने की नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, वो जल्दी एक्सपेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज मैथोलॉजिकल, मैथड्स की नॉलेज है कि किस कौन सा वे जो कैसे चलेगा, ठीक है, मैथोलॉजिकल नॉलेज। तो ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन्होंने बोली। एक बार हम इन शॉर्ट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया वेग मॉडल ने, इन्होंने दिया था कार्ल वेग ने 1993 में, इन्होंने बोला कि कोई भी नॉलेज जो है वो ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, वो कंप्लीट दे, आधी अधूरी कहानी मत बता दे। नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस एंड कॉन्ग्रेंसी एंड पर्पस। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन, कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे सीखते हैं, नॉविस बिगनर, मतलब बिल्कुल नहीं पता, फिर बिगनर होते हैं, फिर कॉम्पिटेंट, फिर एक्सपर्ट, फिर मास्टर्स, फिर एंड में क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। मतलब इस मॉडल ने 3 बातें ही डिस्कस की हैं, ये वाली, एक डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन वाली, और एक की, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा वेग मॉडल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, और इससे आगे वाली वीडियो जो इसके मॉडल्स रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।